नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज। मैं पुनीता मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। कटरा बाजार गोंडा हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी पूरे भारत वर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। संपूर्ण भारत वर्ष में श्री कृष्ण जन्माष्टमी सदियों से एक पर्व के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी को बड़ा महत्व दिया जाता है। विकास खंड कटरा बाजार के थाना परिसर कटरा बाजार व थाना परिसर कौड़िया बाजार सहित ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी रही। वहीं राधे कृष्ण की धुन व जयकारों से चहुओं मंदिर परिसर गुंजायमान हुआ। वहीं थाना परिसर कौड़िया बाजार व थाना परिसर कटरा बाजार को काफी सजाया व संवारा गया। इसी के साथ अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत कुटिया मदारा के मजरे मदारा में काली माता मंदिर में श्री कृष्ण की अद्भुत झांकी सजाई गई, जहां भक्तगण पुरुष व महिलाएं माखन मिश्री का भोग लेकर भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाने पहुंची। श्री कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी। लोग अपने नक्षत्र कान्हा को झूला झुलाने के साथ मंदिरों में सजाए गए पालने में श्री भगवान के बाल अवतार की मूर्ति को पालने में रखा गया। भक्ति का ये भाव और अगाध श्रद्धा के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के भजनों की अमृत वर्षा मंदिरों के चारों तरफ फैल रही। पुरातन परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कई महिलाएं एवं पुरुष उपवास भी रखते हैं, लिहाजा कृष्ण भक्त आज जन्माष्टमी को लेकर उपवास कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ था, इसलिए रात 12 बजे जब भगवान का जन्म हो जाएगा तभी जिन्होंने व्रत रखा है वो अपना व्रत तोड़ेंगे। मान्यताओं व विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को अर्धरात्रि रोहिणी नक्षत्र में भगवान नारायण श्री विष्णु हरि ने अपने 16 कन्याओं से संपूर्ण होकर पापियों का नाश करने के लिए संपूर्ण नारायण के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था। वहीं ऐसी भी मान्यता है, श्री भगवान नटखट कन्हैया भक्ति भाव प्रेम श्रृंगार वीर धीर एवं सच्चे योगी सर्व सच्चिदानंद थे। उनका गुणगान वेद शास्त्रों पुराणों में भी मिलता है। योर रिपोर्ट, बैजनाथ अवस्थी, कटरा।